दोस्तों, अगर आप YouTube पर 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना PC या लैपटॉप चेक कर लेना है। उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम i5 लेवल का प्रोसेसर होना चाहिए, आपकी 16GB रैम होनी चाहिए, इसके अलावा कम से कम 4GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके PC का कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आपको चेक करना है आपके इंटरनेट की जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, कम से कम 60 Mbps तक की स्पीड होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप 100 Mbps का अगर प्लान ले लोगे तो आपकी 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग बढ़िया से हो जाएगी। तो ये हो गई दो चीजें। इसके अलावा तीसरी चीज है, आपको अपना मॉनिटर या अपने लैपटॉप का डिस्प्ले देखना है कि वो 4K क्वालिटी का है या नहीं है। अगर आपका लैपटॉप का डिस्प्ले या फिर आपका मॉनिटर 1080p का है और आप चाहते हो 4K क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग करना, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपने 1080p वाले मॉनिटर को 4K मॉनिटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब चेक करने के बाद अब आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। कुछ सेटिंग्स हमें OBS स्टूडियो के अंदर करनी होंगी और कुछ सेटिंग्स हमें YouTube पर जाकर करनी होंगी। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी 4K लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने PC पर। यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है, OBS 30.2.3। अब यहाँ पर मैं 1080p 60fps पर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ नॉर्मली। अब मैं चाहता हूँ 4K क्वालिटी की सेटिंग करना, तो OBS के अंदर आपको क्या सेटिंग्स करनी होंगी वो आप देख लीजिए। बाकी सब जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं वो तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर सेटिंग्स का बटन आ रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है ये वीडियो वाले ऑप्शन में, वीडियो पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले बेस रेजोल्यूशन को हमें 4K क्वालिटी में चेंज करना होगा। अभी ये 1080p पर सिलेक्ट हो रखा है, तो इसके लिए आगे यहां पर एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर हमें 3840x2160 रेजोल्यूशन दिख रहा है, जो कि एक 4K क्वालिटी का रेजोल्यूशन होता है, इसे हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके PC में या आपके OBS में ये रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका मॉनिटर या फिर आपके लैपटॉप का डिस्प्ले 4K क्वालिटी का नहीं है। अगर आपका 1080p क्वालिटी का लैपटॉप है या मॉनिटर है तो उसकी मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो कि आप अपने 1080p वाले मॉनिटर को 4K मॉनिटर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4K रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन में भी हमें 4K सिलेक्ट कर लेना है, तो यहां पर भी 4K सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डाउन स्केल फिल्टर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, यही रखना है। उसके बाद यहां पर जो FPS वैल्यू है उसे मैं यहां पर 30fps कर देता हूं, क्योंकि 60fps को अगर आप रखोगे तो आपका जो PC है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत तगड़ा, और आपका जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जो कि मैंने यहां पर चेक करके देखा था। तो मेरा जो PC है वो 60fps पर काफी लैग कर रहा था, अटक रही थी वीडियो, तो मैंने यहां पर 30fps रखा है। तो यहां हमें रखना है 30fps, और उसके बाद आपको जाना है आउटपुट वाले ऑप्शन पर। आउटपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको एडवांस्ड पर क्लिक करना है, एडवांस्ड पर चले जाइए। उसके बाद यहां आप देखोगे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्ट्रीमिंग सेटिंग में हमें क्या चेंज करना है वो एक बार देख लीजिए। जो हमारा ऑडियो ट्रैक है मैंने यहां पर 1 रखा हुआ है। इसके अलावा ऑडियो एनकोडर आपको ये वाला रखना है, AAC, ठीक है। इसके अलावा वीडियो एनकोडर आपको रखना है, आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहां पर रखा है NVIDIA NVNC H264, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे छोड़ देना है, रीस्केल आउटपुट हमें नहीं करना। उसके बाद एनकोडर सेटिंग्स में आपको रेट कंट्रोल CVR रखना है, और सबसे बड़ी चीज है बिटरेट। अभी हमने बिटरेट यहां पर 5000 सेट कर रखा है, लेकिन आपको बिटरेट यहां पर 4K क्वालिटी के लिए आप 35000 बिटरेट इसे कर दीजिए। यहां पर मैं कर देता हूं 35000 kbps, यानी 35000 हमारा यहां पर बिटरेट हो गया। आप इसे लगभग 55000, मैक्सिमम 51000 तक आप इसे रख सकते हो, मैंने इसे 35000 तक कर दिया। उसके बाद की फ्रेम इंटरवल आपको 0 रखना है। इसके अलावा प्रीसेट, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो प्रीसेट है ये हमारा P7 पर अभी सिलेक्ट हो रखा है, लेकिन
P7 पर क्या होता है, सिल्वेस्ट होता है, बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी आती है लेकिन सिल्वेस्ट हो जाता है। तो मैंने ये सब टेस्ट करके देखे, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर जो P5 वाला ऑप्शन है, इस पर हमारी 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग हमारे PC के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चलती है। तो यहाँ पर आपको P5 सिलेक्ट कर लेना है, मैंने यहाँ पर P5 सिलेक्ट कर लिया। ट्यूनिंग आपको हाई क्वालिटी रखनी है, मल्टीपास आपको 2 पासेस क्वार्टर रेजोल्यूशन रखना है, प्रोफाइल हाई रखना है, साइको विजुअल ट्यूनिंग यही रखनी है, टिक करके रखनी है, GPU 0 और मैक्स बी फ्रेम रेट आपको 2 रखना है। तो ये सेटिंग यहाँ कर ली, उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियो का, तो ऑडियो बिटरेट भी हमें यहाँ पर सेट करना है। ऑडियो पर क्लिक कीजिए। अब ऑडियो बिटरेट में नॉर्मली ये 160 या 128 होता है, ये आपको कर देना है 320। उसके बाद यहाँ पर आपको आउटपुट के बाद एक ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ चेक कर लेना है आपको जो सैंपल रेट है वो 48 किलोहर्ट्ज होना चाहिए, ये वाला आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर OBS स्टूडियो की सारी सेटिंग्स आपकी लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। हमारा जो वीडियो था यहां पर एक तरह से श्रंक हो गया, ये आप देख रहे हो, तो इसे हमें रिसाइज करना होगा क्योंकि पहले हम 1080p पर यहां पर हमने इसे सेट किया हुआ था और अब हमारा जो रेजोल्यूशन है वो 4K क्वालिटी का हो गया है, तो इसे हमें 4K साइज में कर देना है। अब इसे रिसाइज करने के लिए यहां पर वीडियो का जो सोर्स में आप देखोगे इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो हमारा वीडियो है ये 4K रेजोल्यूशन में जाके सेट हो गया, 4K क्वालिटी में अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर होगी। अब हमारा OBS स्टूडियो के अंदर जो हमारी सेटिंग्स थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर और YouTube चैनल पर भी आपको बहुत ज़रूरी एक सेटिंग चेंज करनी है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक और ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, मेरी ये वीडियो थी इसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर थी, मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी क्वालिटी को काफी एनहांस कर दिया है, बेहतरीन कर दिया है। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। यह है 4DDig फाइल रिपेयर सॉफ्टवेयर, फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे इस तरह का इंटरफेस यहां दिखाई देगा, 4DDig फाइल रिपेयर, करप्टेड फाइल रिपेयर, AI एनहांसर, वीडियो एनहांसर, फोटो एनहांसर, तो यहां से हमें वीडियो एनहांसर सिलेक्ट कर लेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है, ऐड वीडियोस पर क्लिक करेंगे, यहां से अपनी वीडियो सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। ये वीडियो हमारी यहां पर ऐड हो चुकी है, ये एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर आपको AI मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जनरल मॉडल, फेस मॉडल, एनिमे मॉडल। अगर आपका फेस मॉडल वाला वीडियो है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका जनरल वीडियो है तो जनरल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर आपका कार्टून वीडियो है तो आपको एनिमे मॉडल सिलेक्ट करना है। यहां पर मैं फेस मॉडल सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद रेजोल्यूशन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी हमें क्या रखनी है। इसके अलावा यहां पर AI एनहांस का ऑप्शन दिया गया है, आपको क्वालिटी फर्स्ट रखनी है या स्पीड फर्स्ट रखनी है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एनहांस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनहांस पर क्लिक करोगे यहां पर इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। यहां पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, पहले हमारी ओरिजिनल वीडियो की क्वालिटी कुछ इस तरह की थी और यहां पर प्रोसेस होने के बाद, एनहांस होने के बाद क्वालिटी कुछ इस तरह की हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, एक बार आप इसे फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल करके जरूर देखिए, इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो OBS स्टूडियो के अंदर ये हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई थी, 4K क्वालिटी की सारी सेटिंग हमने यहां पर कर ली थी। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने YouTube चैनल पर, वहां पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया, YouTube चैनल पर ऊपर की साइड आप देखोगे यहां पर एक प्लस का बटन आ रहा है, क्रिएट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जब आप गो लाइव पर क्लिक करोगे तो आप YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाते हो। यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, एक स्ट्रीम का ऑप्शन आता है, एक आपका वेबकैम का ऑप्शन आता है, एक आपका मैनेज का ऑप्शन आता है, आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक करना है, इसके बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल लिख देनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, मैंने यहाँ पर थंबनेल भी लगा दिया। सब कुछ सेट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको इसकी प्राइवेसी सिलेक्ट कर लेनी है, प्राइवेट रखना है, अनलिस्टेड रखना है या फिर आपको मेंबर्स ओनली रखना है, मैं इसे अनलिस्टेड कर देता हूँ और उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। तो
यहां पर आप देख रहे हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएट हो चुकी है। टाइटल यहां पर दिखाई दे रहा है, टेस्टिंग 4K लाइव यूजिंग OBS। अब यहां आप देखोगे यहां पर आपको स्ट्रीम की का ऑप्शन दिखेगा, तो ये आप देख रहे हो यहां पर एक स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है। यहां से हमें स्ट्रीम की कॉपी कर लेनी है। स्ट्रीम की को तो हमने यहां से कॉपी कर लिया है। इसके अलावा यहां पर आपको एक बहुत जरूरी चीज का ध्यान रखना है, नीचे की साइड यहां आप देख रहे हो स्ट्रीम लेटेंसी, लेटेंसी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर यहां पर आपने सेटिंग्स गड़बड़ कर दी तो आपकी 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, तो यहां पर आप ध्यान रखिए, ये आपको नॉर्मल लेटेंसी पर रखना है, आपको लो लेटेंसी या अल्ट्रा लो लेटेंसी नहीं रखनी है। और वापस चलते हैं हम अपने OBS स्टूडियो पर। तो OBS स्टूडियो पर आने के बाद अब हमें सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें स्ट्रीम पर क्लिक करना है, इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो यूज स्ट्रीम की एडवांस, इस पर क्लिक करना है, और यहां पर हमें स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है, जो यूट्यूब की स्ट्रीम की अभी हमने कॉपी की थी उसे यहां पर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारी वीडियो यहां पर प्ले हो रही है, उसके बाद यहां से स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे। अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब का कंट्रोल रूम फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज थी, OBS का फुटेज यहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और यहां आप देख सकते हैं एक्सलेंट कनेक्शन यहां पर ये शो कर रहा है। तो हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करेंगे। यहां पर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब पर ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग 4K क्वालिटी में ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यू आर लाइव, यानी हम यूट्यूब पर लाइव हो चुके हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ प्रॉपर यहां पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हमारी ये चल रही है। इस पे मैं यहां क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं 2160p रेजोल्यूशन हमारा यहां पर शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।